चलिए, पिछले लेक्चर में जहां तक हम पढ़ रहे थे उसमें कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी, जितना भी हम पढ़े थे कहीं से किसी को दिक्कत कोई भी टॉपिक में तो बता सकते हैं, नहीं ना? चलिए, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि चार बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन मैथमेटिक्स में या किसी भी कंप्यूटर साइंस में परफॉर्म करते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्ली। हम क्लास से निकाल देंगे, अभी कल नहीं आए थे, नहीं ना? तो पूछ लेना किसी से रूल रेगुलेशन। हमारे क्लास में रहोगे, तहजीब से रहोगे बैठ के, नहीं तो हम तुरंत आउट कर देंगे, समझ गए ना? आप फिर कभी एंट्री नहीं मिलेगा। पढ़ना है तो शांति से पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो आप स्वेच्छा से बाहर चले जाइए, समझ गए ना? हमको कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन, जिसमें दो मल्टीप्लीकेशन है, आप जानते भी होंगे या नहीं, अगर जानते हैं तो, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है और दूसरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस होता है, उसी के बारे में ये पूरा का पूरा आज का ये क्लास है, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर में, सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर में एडिशन है, ठीक? लेकिन यहां पे आने से पहले हम आपको इस स्लाइड पे ले चलते हैं, ध्यान दीजिएगा हर एक स्टूडेंट। मान लीजिए कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है, ध्यान देंगे सब आदमी, -3, 2, 4 और 5। मान लीजिए पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास 1, 0, 6 और -9। पहला का ऑर्डर कितना है? पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2। अब ध्यान देंगे, जब ए प्लस बी कहेगा ना करने के लिए, या ए माइनस बी, कुछ भी, मतलब दो मैट्रिक्स अगर मेरे पास दिया हुआ है उसका एडिशन की बात कर रहा है या उसके सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, तो तभी हम परफॉर्म कर पाएंगे ना, जिसके लिए पहला कंडीशन है कि दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। क्लियर? मतलब अगर मेरे पास, अगर हम जनरलाइज वे में मान लें ए इज इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर का दिया हुआ है, और दूसरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी आई जे, ये भी एम क्रॉस एन का है, तभी हम ए प्लस बी को परफॉर्म कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जैसे ये तो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं ना, 2+2, 2×2। अगर जनरलाइजेशन वे में बात करेंगे तो एम क्रॉस एन कहलाएगा। आपका मर्जी, एम रो नंबर कितना देना चाहते हैं और कॉलम का नंबर कितना देना चाहते हैं। जैसे इस केस में हम रो का नंबर 2 दे दिए हैं और कॉलम का नंबर भी 2 दे दिए हैं, ठीक है? तो जनरलाइज वे में हम ऐसे बात करेंगे, अगर एग्जाम्पल देके हम बात करेंगे तो ऐसे करेंगे। क्लियर? तो दो मैट्रिक्स को एडिशन कब कर सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद क्या करेंगे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जोड़ देंगे। जैसा कि हम कल इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में बात कर रहे थे, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। क्लियर? तो यहां से अब हम जब जोड़ेंगे ना, दोनों का ऑर्डर सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप जोड़ दीजिए, मतलब इसका A11 पोजिशन, पहला रो पहला कॉलम, बी के पहले रो पहले कॉलम के साथ जुड़ेगा। इसका A12 पोजीशन इसके A12 के साथ जुटेगा, इसका ये पोजीशन इसके साथ जुटेगा और इसका ये पोजीशन इसके साथ जुटेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब -3 में आप जोड़ देंगे 1 को, 2 में आप जोड़ देंगे 0 को, 4 में आप जोड़ देंगे 6 को और 5 में जोड़ देंगे आप -9 को। तो वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 1 - 3 ये -2 के इक्वल हो जाएगा, 4 + 6 ये 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 5 - 9 ये -4 के इक्वल हो जाएगा। कहीं से किसी को दिक्कत तो बताइए, नहीं? अब हम चलते हैं ऊपर वाले स्लाइड की तरफ। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अगर ए और दो बी दो मैट्रिसेस होगा, दोनों का अगर ऑर्डर एम क्रॉस एन है, ये जनरलाइज वे में बात कर रहा है, ठीक है? देन सम जो होगा इसका ए प्लस बी, ये भी एक मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का। जैसे आप देखिए यहां पर, अगर ए और बी का ऑर्डर 2x2 है, जब हम इसका एडिशन किए हैं, इसका ऑर्डर देखिए कितना है, ये भी 2×2 है, मतलब जितना ऑर्डर का आप मैट्रिक्स लीजिएगा, जोड़ने के बाद भी वही सेम ऑर्डर का आएगा। यही बात यहां पर भी कर रहा है कि ये सेम ऑर्डर m क्रॉस n का होगा, एंड इट इज डिनोट ऑब्टेंड बाय एडिंग द क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ a एंड b। कैसे निकाले हैं? दोनों का क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ दिए हैं, मतलब इसका A11 पोजिशन उसके 11 के साथ जुटेगा, इसका 21 उसके 21 के साथ, इसका 22 उसके 22 के साथ जुटेगा। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना, ठीक है? अगर a इज इक्वल टू ए आई जे, अभी हम बात करते हैं m क्रॉस n का है, b इज इक्वल टू ए आई जे, ये दो मैट्रिक्स है, देन a प्लस बी अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम डायरेक्टली
ऐड कर देंगे और i का वैल्यू 1 से m तक है, j का भी वैल्यू 1 से n तक है अगर हम m क्रॉस n में बात कर रहे हैं तो, मतलब इसका 1 1 इसके 1 1 के साथ जुटेगा, इसका 2 1 होगा उसके 2 1 के साथ जुटेगा, यही बात यहां पे जनरलाइज्ड वे में ये कर रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो बताइए, किसी को दिक्कत है बता सकते हैं, यहां तक दिक्कत है, यहां तक जोड़ सकते हो ना मैट्रिक्स को? ठीक। अब प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, पहले हम आते हैं इस स्लाइड पे, फिर हम आपको ले चलेंगे। एडिशन शब्द में जानते हैं, जोड़ना घटाना जानते हैं ना शब्द में। अगर हम 2 में 3 को जोड़े कितना रिजल्ट देगा? 5। और अगर हम 3 में 2 को जोड़े क्या सेम होगा? सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा। तो अगर हम ए और बी दो मैट्रिक्स है तो ए में बी को जोड़े या बी में ए को जोड़े, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। इस लॉ को हम पता है क्या कहते हैं, इस लॉ को पता है क्या कहते हैं? इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नाम आप याद रखेंगे, याद है तो कहे ने बोल लेते, याद था तो। इस लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, आप डायरेक्ट पूछ देगा कि इसमें से कम्यूटेटिव लॉ को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है और ऐसा ऐसा तीन चार ऑप्शन दे देगा। क्लियर? तो नाम आप याद रखेंगे। दूसरी बात आप हमको ये बताइए, ध्यान दीजिएगा उस बाद में। मान लीजिए मेरे पास 2 3 5 ये तीन नंबर है, ठीक। अगर हम 2 में 3 को जोड़ रहे हैं पहले और फिर उसमें 5 को जोड़ेंगे, रिजल्ट कितना होगा? 10। अब हम आपसे कहते हैं ना कि नहीं, आप क्या कीजिए ना, पहले 3 5 को जोड़िए तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, रिजल्ट तो सेम हो गया ना। तो अगर मेरे पास 3 मैट्रिक्स है, ए और बी और सी, 3 मैट्रिक्स है, पहले हम ए में बी को जोड़ लेते हैं जो रिजल्ट आएगा उसको सी में जोड़ें, या हम पहले बी में सी को जोड़ लें जो रिजल्ट आएगा उसको ए में जोड़ें, दोनों आपस में इक्वल होगा ना। कौन सा लॉ कहते हैं इसको? इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। कहा कम्यूटेटिव में तो 2 ही मैट्रिक्स के ऊपर में बात होगा ना, यहां 3 दिया हुआ ए बी सी, इस रूल का नाम है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो बताइए। अगर मान लीजिए 2 कोई नंबर है उसमें 0 को जोड़े या 0 में 2 को जोड़े, रिजल्ट कितना के इक्वल होगा? 2 ही के ना, नहीं होगा, 0 जोड़ने से थोड़ी फर्क पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और 0 मेरे पास कोई, कौन सा मैट्रिक्स है? ओ ओ वाला कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स, कल हम बात कर रहे थे ओ फॉर नल मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को जोड़े या नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स को जोड़े, बराबर क्या हो जाएगा? ए के बराबर हो जाएगा। क्लियर? इस लॉ का क्या नाम है? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिकल वैल्यू दे रहा है ना, तो इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। याद हो रहा है सब? चलिए अब देखिए, एक है आपका एडिटिव इनवर्स, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत सारा लड़का कंफ्यूज कर जाता है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है? जैसे आपसे पूछेगा ना कि 2 एक नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा? -2। अगर 2 एक नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स पूछेगा ना, तो -2 हो जाएगा, ये कहलाएगा इसका एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक। एक दूसरा होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, अभी हम मल्टीप्लीकेशन में बताएंगे। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे? अगर 2 है तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कहेगा ना, तो अगर 2 है आपके पास तो मल्टीप्लीकेटिव हो जाएगा 1/2। क्लियर? दोनों को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज कर देगा एमसीक्यू में आपको। वो -2 किस केस में होगा? एडिटिव इनवर्स के केस में, और रिवर्स किस केस में होगा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के केस में। इतना क्लियर है? तो ये रूल है ना, क्या अगर किसी मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इनवर्स जोड़िए, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर में उसका एडिटिव इनवर्स जोड़िए या एडिटिव इनवर्स के अंदर में उस मैट्रिक्स को जोड़िए, तो दोनों बराबर होगा, दोनों का रिजल्ट क्या होगा? 0 मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा। आप जानते भी हैं किसी मैट्रिक्स 2 में अगर -2 जोड़ेंगे तो 0 ही आना है ना। यही सारा रूल यहाँ पे अब दिया हुआ है, अब पढ़िए 1 बाय 1, देखिए तो कहीं कोई दिक्कत है क्या इसमें? पढ़िए तो एक बार सारा रूल। हेलो, नमस्ते,
थर्ड ईयर का एग्जाम संभवतः 11 से होगा। हम क्लास में बाबू निकल के हम तुमसे बात करते हैं, ठीक है ना? डिटेल्स में हम फिर बात बता देंगे सारा कुछ। कोई दिक्कत तो बताइए। कम्यूटेटिव लॉ पढ़ लिया ना, अभी आप पढ़ रहे थे। ए अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है तो ए में बी को जोड़े या बी में ए को जोड़े, बात बराबर होगा। और अगर ए बी सी तीन मैट्रिक्स है तो अगर ए बी को पहले जोड़ के सी में जोड़े या बी सी को पहले जोड़ के ए में जोड़े तो रिजल्ट बराबर होगा। इस लॉ का नाम था एसोसिएटिव लॉ, वही लिखा है एसोसिएटिविटी। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लॉ भी हम बता रहे थे, किसी मैट्रिक्स में हम नल मैट्रिक्स को जोड़ दें या नल में किसी मैट्रिक्स को जोड़े तो ए के इक्वल होगा। अगला हम क्या पढ़े थे, एडिटिव इनवर्स के नाम से पढ़े थे ना, वही लिख रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा है क्योंकि आप एडिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो जब इनवर्स की बात करेगा तो एडिटिव इनवर्स की ही बात करेगा, एडिशन के अंदर हम पढ़ रहे हैं इसलिए, ठीक है? तो ए में उसका एडिटिव इनवर्स जोड़े जीरो होगा या एडिटिव इनवर्स में ए को जोड़े जीरो के बराबर होगा, क्लियर है? अगला एक और लॉ लिखा हुआ, तो हम फिर चलते हैं पिछले वाले स्लाइड पे। ये बात आप सब आदमी जानते होंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ a प्लस बी, क्लियर, और लिखा हुआ है c प्लस बी, क्या रिजल्ट होगा? यहां से b कैंसिल हो जाएगा ना, नहीं होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू सी। अच्छा किधर से कैंसिल किए हैं, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? राइट साइड से, तो इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, क्लियर, राइट कैंसिलेशन लॉ। और अगर यही चीज लेफ्ट से करते ना तो उसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे, क्लियर है? देखिए यहां पे लिखा हुआ प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन लॉ है। अगर a प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, किधर से कैंसिल होगा, लेफ्ट तरफ से होगा ना, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्लियर। इस केस में b इज इक्वल टू सी होगा। नीचे वाला देखिए, b प्लस ए बराबर सी प्लस ए, इधर से राइट से कैंसिल होगा तो b इक्वल टू सी, राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं, क्लियर है? सारा रूल याद हो गया सारा। चलिए आगे चलते हैं फिर हम। अगला देखिए है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब ये कहता है क्या, ध्यान देंगे सब आदमी, ये कहता है क्या, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है माइनस फाइव टू जीरो वन माइनस सिक्स और थ्री, क्लियर। इसमें अगर इस मैट्रिक्स में किसी एक कांस्टेंट नंबर से गुना करें, जैसे मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर माइनस टू है, अगर माइनस टू से इस मैट्रिक्स में गुना करने बोलेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, इस माइनस टू से इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसी को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ये माइनस टू है ना, इसमें हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हैं बात, हर एक एलिमेंट से कर दीजिएगा। तो माइनस टू इंटू माइनस फाइव टेन हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस फोर, ये ट्वेल्व हो जाएगा, और ये जीरो और ये माइनस सिक्स हो जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब, अगर मेरे पास ए को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और के एक कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, जैसे माइनस टू हम कांस्टेंट यहां मान रहे थे, उसी तरीके से अगर के कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन के केस में हम क्या करेंगे, उस के से पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम यही कर रहे थे ना, माइनस टू से पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे थे, पर एलिमेंट के साथ कर देंगे। तो अगर यहां के कांस्टेंट है, के निकालेंगे ना, तो देखिए के को अंदर लेके चले गए हैं ताकि सारे एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर सके। मैट्रिक्स का तो ऑर्डर सेम ही होगा, है ना, एम क्रॉस एन होगा, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। कोई दिक्कत इसमें, स्केलर में हर एक नंबर से आप गुना कर दीजिएगा, बस यही बात। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन का और बी आई जे एम क्रॉस एन का, अब आप एक बात बताइए हमको, अगर मान लीजिए ए प्लस बी है, ठीक है, और एक कॉन्स्टेंट नंबर से हम गुना कर रहे हैं, मतलब दो मैट्रिक्स को पहले हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक, तब हम कांस्टेंट से गुना कर रहे हैं, क्लियर। और अगर हम पहले दोनों में अलग अलग कांस्टेंट से गुना कर तब जोड़ें, तो क्या दोनों बराबर होगा या नहीं होगा, समझ रहे हैं मेरी बात? दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो पहले हम दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस रिजल्ट को हम इक्वेशन वन मान रहे हैं। फिर से हम क्या कर रहे हैं, ए में अलग के से मल्टीप्लाई किए, बी में अलग किए, फिर दोनों को जोड़ दिए, तो क्या इक्वेशन वन और टू बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, वही पहला प्रॉपर्टी है आपका, क्लियर। अगर मान लीजिए मेरे पास दो कांस्टेंट है, ध्यान दीजिएगा रूल सारा इंपोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, अगर मेरे पास दो कांस्टेंट है के और एल, ठीक, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो कांस्टेंट है टू और थ्री और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है माइनस फाइव जीरो वन और टू,
क्लियर। तो ये कह रहा है ना पहले के प्लस एल कीजिए फिर ए में मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे वहां टू प्लस थ्री कीजिए फाइव, फाइव से ए में मल्टीप्लाई कीजिए, उस रिजल्ट को इक्वेशन वन मान लीजिए, या हम पहले के से ए में कर दें फिर एल से ए में कर दें, अलग अलग कर दें, फिर भी तो इक्वल ही होगा वो, नहीं होगा। जैसे यहां से अगर हम ए निकाले हैं ना, तो आप फाइव ए कर दीजिए, माइनस पच्चीस जीरो फाइव और ये टेन, और आप अलग अलग कर दीजिए, आप टू ए निकाल लीजिए तो माइनस टेन जीरो टू और ये फोर, आप थ्री ए निकाल लीजिए तो थ्री हो जाएगा आपका माइनस फिफ्टीन जीरो थ्री और सिक्स। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए टू ए प्लस थ्री भी, तो ये रिजल्ट आपका फाइव ए के ही इक्वल हो जाएगा। इस दोनों को एडिशन कीजिए और इसके देखिएगा इक्वल अपने आप आ जाएगा, उसका वैल्यू उतना ही नहीं आएगा, दिखने में भी लग रहा है माइनस टेन माइनस फिफ्टीन माइनस पच्चीस आएगा, आ रहा है ना। ये आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है। दूसरा कहता है कि ये जोड़ के भी और गुना में भी आप कीजिएगा ना, तो फिर भी ये सेम ही आएगा, समझ रहे हैं। पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे वहां टू थ्री है तो सिक्स इंटू ए किए, या तो हम पहले एल से मल्टीप्लाई किए, मान लीजिएगा थ्री नंबर लिए हैं तो थ्री से ए में किए फिर से के में किए, ये दोनों बराबर इसी के हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। बेसिक सा लॉ है, इसमें कुछ खास बात दिमाग लगाने का है नहीं। ये कह रहा है माइनस के इंटू ए इज इक्वल टू माइनस के ए इज इक्वल टू के इंटू माइनस ए, ये सब बराबर होगा, समझ रहे हैं बात। अगला प्रॉपर्टी है किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे किसी भी नंबर में अगर एक से गुना करते हैं क्या होता है, सेम आता है, लेकिन यहां मैट्रिक्स की जब भी बात करेंगे ना तो वन का मतलब क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, क्लियर। तो अगर किसी मैट्रिक्स में मान लीजिए ए दिया हुआ है तो हम इसको आई ए भी लिख देना, फिर भी ये सेम ही होगा, आई ए का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब किस ऑर्डर का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये किस पर डिपेंड करेगा, आई किस ऑर्डर का होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, वो मैट्रिक्स पे ए पे डिपेंड करेगा। अगर ए का ऑर्डर टू इंटू टू है तो आई भी टू इंटू टू का लीजिएगा, ए का थ्री इंटू थ्री तो आई भी थ्री इंटू थ्री लीजिएगा, वही रूल आपका दिया हुआ। फिर अगर माइनस वन से नहीं, वन नहीं होगा यहाँ पे, आई होगा, है ना। अगर माइनस आई इंटू ए करेंगे तो वो माइनस ए के ही इक्वल हो जाएगा, क्लियर, यही सारा रूल है। अब इतना बात समझ में आया कि नहीं आया आपको, आ गया सबको, आ गया सबको, आया ना, कोई दिक्कत तो बताइए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि गिवन दैट ए इज इक्वल टू, ये जीरो है थ्री है टू है माइनस फोर है, ठीक है, और ये के ए दिया हुआ है, के ए का वैल्यू है जीरो टू बी थ्री ए और ट्वेंटी फोर, ठीक है। तो आपसे कह रहा है ये कांस्टेंट जो है के ए बी, इसका वैल्यू निकालने के लिए, क्लियर। इसमें देखिए ए का वैल्यू इतना और के ए का वैल्यू इतना है, ठीक। तो अगर हम इस मैट्रिक्स में पहले वाले में के से मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा मल्टीप्लीकेशन कहलाएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक। के से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ये थ्री के हो जाएगा, ये टू के हो जाएगा और ये माइनस फोर के हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो मैट्रिक्स है अगर हम इसको वन मान ले और इसको टू मान ले तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, इस दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। और हम ये रूल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं रूल, कि अगर किसी इक्वेशन का एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी आपस में इक्वल होगा, होगा कि नहीं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, जीरो टू के थ्री के माइनस फोर के, ये किसके इक्वल हो जाएगा, उस वाले इक्वेशन के इक्वल हो जाएगा, जीरो टू बी थ्री ए आर ट्वेंटी फोर। अब कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, कल हम पढ़ रहे थे इस बात को, क्या बात पढ़ रहे थे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे वहां पे, कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। क्या ऑर्डर सेम है यहाँ, ठीक है, तो क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए ना, तो क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कीजिएगा तो टू के किसके इक्वल हो जाएगा, थ्री ए के, यहाँ थ्री के इक्वल हो जाएगा टू बी के, और माइनस फोर के इक्वल हो जाएगा ट्वेंटी फोर के। तीनों को सॉल्व करके वैल्यू बताइए हमको, तीनों को सॉल्व कीजिए आप फटाफट वैल्यू बताइए, तो ये अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए ना, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए और ये वैल्यू हमको फटाफट बताइए। किसी को दिक्कत तो बता सकते हैं, नहीं है ना, चल आगे, क्या हुआ, प्रॉब्लम है कुछ क्या, यहां से कल क्लास किए थे ना, हाँ, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हम क्या बोले थे, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये भी टू क्रॉस टू वो भी टू क्रॉस टू सेम है,
क्रॉस्पॉन्डिंग जब एलिमेंट को इक्वल करेंगे ना, तो यहाँ का ए वन वन पोजिशन इसके इक्वल होगा, यहाँ का ए वन टू पोजिशन है तो ए वन टू के इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकलेगा 2k इज इक्वल टू 3a, समझ रहे हैं। फिर यहाँ का ए टू वन पोजिशन इसके इक्वल होगा, ये निकल जाएगा 3k इज इक्वल टू 2b। फिर यहाँ का ए टू टू पोजिशन इसके इक्वल होगा तो माइनस 4k इज इक्वल टू 24, तो यहाँ से k का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, माइनस 4 से इधर भागा दे देंगे तो ये निकल जाएगा माइनस 6, k का वैल्यू निकल गया। अब k का वैल्यू माइनस 6 है, यहाँ पर पुट कर दिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 6 पुट कीजिए माइनस 18, तो 2b इज इक्वल टू माइनस 18, तो b इज इक्वल टू माइनस 9, वही निकल गया। फिर यहाँ पे आप पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, k का वैल्यू, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है, चले आगे। अगला है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो हम अभी बात कर रहे थे, एक्चुअली आपको पता है एक बात, सब्ट्रैक्शन का रूल कंप्यूटर साइंस के अंदर में या मैथमेटिक्स के अंदर में है ही नहीं। अर्थमेटिक ऑपरेशन जब शुरू में, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे कंप्यूटर फंडामेंटल का, या आपको हिमांशु सर पढ़ाए होंगे, जब शुरू में 1847 के आसपास जब पहला कंप्यूटर खोजा गया था जिसको ब्लेज पास्कल ने बनाया था, दो ही काम करता था, पता है कौन कौन सा, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। इवन अभी भी जो भी कंप्यूटर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है वो दो ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। सब्ट्रैक्शन का और डिवीजन का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप बचपन में भी पढ़े होंगे इस चीज को, जैसे मान लीजिए अगर हमसे कहता है कि 2 माइनस 5 कीजिए, तो हम माइनस 5 कहां कर रहे हैं, हम 2 में जोड़ रहे हैं माइनस 5 को, ये 5 का क्या है, एडिटिव इनवर्स हम कर रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से मान लीजिए आपसे कह रहा था कि 4 में आप भागा दीजिए, 2 में 4 से भागा दीजिए, तो आप बचपन में पढ़े होंगे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1/4, जो अगला भागा में नंबर है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो ऑपरेशन तो हम दो ही परफॉर्म कर रहे हैं ना, एडिशन का और मल्टीप्लीकेशन का, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का कोई भी कंसेप्ट मैथमेटिक्स में है ही नहीं, समझ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में नहीं है। तो वही बात हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो मैट्रिक्स है, अगर पहला मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन का है और दूसरा मैट्रिक्स मेरे पास अगर बी आई जे एम क्रॉस एन का है, तो अगर हमसे कहेगा सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ए में जोड़ेंगे किसको, बी के एडिटिव इनवर्स को, ए में हम बी के एडिटिव इनवर्स को जोड़ देंगे। तो अगर हम ए कह रहे हैं ए आई जे एम क्रॉस एन का है और हम जोड़ेंगे, अब बी का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। उसके बाद आप एडिशन का रूल आप पढ़े हैं, उस रूल को आप इंप्लीमेंट कर देंगे, हर एक क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट में सारे एलिमेंट को जोड़ देंगे, वही सब्ट्रैक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। जोड़ना तो आप पढ़े हुए हैं ना, ये जोड़ ही तो रहे हैं, सिर्फ बी वाला जो मैट्रिक्स होगा उसमें क्या कीजिएगा, हर एक नंबर में माइनस वन से स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, वो सब्ट्रैक्शन आपका निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला है मल्टीप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ना, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बहुत कंफ्यूज कर देगा ये। मान लीजिए मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है, ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू, अभी आसान सा हम बताते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। दूसरा एक मैट्रिक्स है बी, अब बी का ऑर्डर है बी वन वन बी वन टू बी टू वन और बी टू टू, इसका भी ऑर्डर 2x2 है। अब ध्यान दीजिएगा एक मिनट यहाँ पे, इस दोनों मैट्रिक्स को ए और बी को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ए इंटू बी तभी होगा जब, जब क्या रूल है, कोई किसी को पता तो बताइए, ए और बी किसका रो, इसका रो और उसका कॉलम, इसका रो और इसका कॉलम, कॉलम बराबर होना चाहिए, क्या रूल है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो तभी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जैसे इस केस में पहले का कॉलम 2 है दूसरे का रो 2 है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नया जो मैट्रिक्स निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा जो रिमेनिंग बच गया, यहां से 2 बचा वहां से 2 बचा, तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी तो ये आपका हो जाएगा a11 a12 a21
A22 into B11, B12, B21 और B22। अब इस केस में बच्चों क्या करते हैं ना, अगर एक का हम रो लेंगे तो दूसरे का कॉलम लेते हैं, है ना। अगर हम इसका कॉलम लेंगे तो उसका रो लेंगे, हमेशा अपोजिट आपको लेना होगा, ठीक है। अब करना क्या होगा, ध्यान दीजिए यहां से। अब इसको पहले को ना हम फिक्स कर देते हैं, पहले को फिक्स कर दीजिएगा, है ना। इधर से एलिमेंट पकड़िएगा, पहला एलिमेंट तो A11 किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको कॉलम वाइज करना है तो B11 से, ठीक। फिर प्लस कर दीजिएगा, अब ये दूसरा वाले को फिर इससे कीजिएगा तो ये A12 into B21 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं, अभी हम इसको फिक्स किए हुए हैं, फिर नीचे वाले को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A21 को मल्टीप्लाई करेंगे B11 से, और फिर इसको हम इससे करेंगे A22 into B21 हो जाएगा। पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको फिक्स करेंगे और फिर इस दोनों के साथ करेंगे, यहां पे लिखेंगे A11 into B12 plus A12 into B22। सिमिलरली नीचे वाले रो को भी कर देंगे तो A21 into B12 plus A22 into B22, यही आपका मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत। एक एग्जांपल देखिए, अभी आपको लग रहा हो कि आसान सा तो बात है, इसमें कहां कोई खास बात है उतना, कि सर कह रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट है ये। कितना ऑर्डर है इसका, इसका ऑर्डर कितना है, 2 into 3। इसका ऑर्डर कितना है, तो क्या ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए इंटू बी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है। क्या रूल हम बताए, रूल क्या बताए, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए, है क्या, नहीं है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा, हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें हम -1 और 3 देंगे, अब हो सकता है मल्टीप्लीकेशन, अब हो जाएगा। अब कितना रो है, 3, और कॉलम कितना है, 2। अब मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं, तो ये -3, 5, 1, 3, 0, 1 into -1, 0, 3, -2, -1 और 3। कैसे कीजिएगा, इधर से रो पकड़ना है, इधर से कॉलम पकड़ना है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। पहले बार में इसको आप फिक्स कर दीजिए, इस वाले को, तो -3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3। फिर प्लस करेंगे 5 को किससे, गड़बड़ हो गया, ये भी, ये गड़बड़ हो गया आपका, ये मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप देखिए यहां से, इसको तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये -3 था, इसको इससे कर दीजिएगा, इसको इससे कर दीजिएगा, बाकी इसका कहां गया। तो आप क्या कीजिए ना, इसमें आप इसमें क्या कीजिए, आप इसमें क्या कीजिए, कुछ एलिमेंट हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, अब हो जाएगा ना, अब हो जाएगा आपका, ये हो गया -3, 5, -1, 1, 3, 3 और 0, 1, 2। अब पहले का कॉलम दूसरे का रो लेना, अब आराम से हो जाएगा। -3 को -1 से कीजिएगा तो 3, 5 को 3 से कीजिएगा तो 15, -1 को -1 से कीजिएगा +1, ये फिक्स है। फिर यहां से इसको करेंगे और यहां से इसको करेंगे, फिर सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करके नया मैट्रिक्स को लिख देंगे हम, हो जाएगा, बताइए तो करके हमको। अभी क्वेश्चन है इसीलिए हम ये प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, इसके जस्ट बाद क्वेश्चन है, लग रहा है बहुत दिक्कत है बिना। देखिए एक मिनट, देखिए दिक्कत है जिसको, मान लीजिए A=, हम एक मैट्रिक्स ले लिए हैं -3, 5, -1, 0, 6, 2। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 into 2। दूसरा हम एक मैट्रिक्स ले लिए हैं B, जिसमें -1, 0, 3 और 6 है। अगर आपसे कह रहा है कि A क्रॉस B परफॉर्म कीजिए, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2 into 2। तो A क्रॉस B कहेगा ना परफॉर्म करने के लिए, ध्यान दीजिएगा जिससे भी नहीं हो रहा है, तो आप पहले A को लिख लीजिए, पहले A को लिख लीजिए और इसका मान लीजिए कि हम रो पकड़ लेते हैं, फिर आप B को लिख दीजिए, लिख लिए, लिखने के बाद इसका आप कॉलम ले लीजिएगा। पहले बार में क्या कीजिएगा ना, इसको फिक्स कर लीजिएगा,
फिक्स करने का मतलब हर एक से मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस थ्री को इधर से रो वाइज आपको चलना है, इधर से कॉलम चलना है, ठीक है। माइनस थ्री को आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री इंटू माइनस वन, फिर प्लस कर दीजिएगा, फिर फाइव को आप थ्री से कीजिएगा, आपको इधर रो चलना है इधर कॉलम चलना है, तो फाइव को आप थ्री से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों के साथ हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब फिर सेकेंड रो में आ जाएंगे, ये फिक्स है आपका, फिर सेकेंड रो में आ जाएंगे, माइनस वन को माइनस वन से करेंगे प्लस, फिर जीरो को हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों भी हो गया। अब तीसरे में आएंगे, सिक्स को हम माइनस वन से करेंगे, फिर हम टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर सेकेंड बार में इसको फिक्स करेंगे और यहां पे पैरेलल में हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस फाइव इंटू सिक्स, इधर से रो और इधर से कॉलम चला, हर बार आपको ध्यान देना होगा, माइनस वन से जीरो को करेंगे और जीरो को सिक्स से करेंगे, जीरो इंटू सिक्स, फिर आप सिक्स से जीरो को मल्टीप्लाई कीजिए प्लस कर दीजिए और टू इंटू सिक्स मल्टीप्लाई कीजिए और सबको जोर जार के यहाँ पे लिख दीजिए, कितना हो जाएगा ये माइनस थ्री इंटू माइनस वन, तो प्लस थ्री, थ्री और इंटू फिफ्टीन, कितना हो जाएगा थ्री प्लस फिफ्टीन, तो पंद्रह और तीन अठारह हो गया। ये देखिए छोपंचे तीस और ये जीरो, तो ये थर्टी बचेगा, हो जाएगा। अब कोई बोला था जोड़ने में भी दिक्कत होगा, ये हो गया वन प्लस जीरो, तो ये प्लस वन हो गया और ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, तो यहाँ जीरो हो गया। अगला हो जाएगा माइनस सिक्स और ये हो गया प्लस सिक्स, दोनों कट के हो जाएगा जीरो, ये हो गया जीरो और प्लस ट्वेल्व, ये ट्वेल्व हो गया। यही है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। चले क्वेश्चन पे चले, अगला क्वेश्चन, ये हम अभी बस समझा रहे थे आपको एग्जाम्पल के थ्रू। चले क्वेश्चन पे, लिख लिए ना, देखिए अब ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि x का वैल्यू निकालना है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स प्रोडक्ट दिस इक्वस एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो आपको x का वैल्यू निकालने कह रहा है। मैट्रिक्स है टू जीरो वन जीरो वन माइनस टू सेवन जीरो वन इंटू आप करेंगे माइनस एक्स जीरो एक्स, ये फोर्टीन एक्स वन माइनस फोर एक्स सेवन एक्स जीरो माइनस टू एक्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो चूंकि ये दोनों आपका थ्री इंटू थ्री का है तो आइडेंटिटी भी आपको थ्री इंटू थ्री का लेना पड़ेगा। अब दोनों मल्टीप्लीकेशन है तो इधर रो वाइज लीजिए इधर कॉलम वाइज लीजिए, मल्टीप्लीकेशन अभी हम तुरंत बताएंगे आपको क्या हो जाएगा, टू इंटू माइनस एक्स तो ये हो गया माइनस टू एक्स, जीरो इंटू जीरो तो जीरो, सेवन इंटू एक्स तो हो जाएगा प्लस सेवन एक्स। अगला फिर से कीजिए जीरो इंटू माइनस एक्स तो जीरो, वन इंटू जीरो तो जीरो, जीरो इंटू एक्स ये भी जीरो। तीसरा कीजिए वन इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स, ये आपका जीरो और ये प्लस एक्स। अब सेकेंड वाले के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट एक्स, टू को फोर्टीन एक्स के साथ करेंगे ना, जीरो को इसके साथ करेंगे तो जीरो और सेवन इंटू दिस करेंगे तो माइनस ट्वेंटी एट एक्स, फिर जीरो इंटू समथिंग जीरो प्लस वन इंटू वन वन, जीरो इंटू समथिंग ये जीरो। तीसरा क्या हो जाएगा फोर्टीन एक्स और ये माइनस टू और ये माइनस फोर एक्स। अगला जब तीसरा के साथ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस फोर्टीन एक्स, जीरो इंटू समथिंग तो ये जीरो हो जाएगा और सेवन इंटू दिस तो माइनस फोर्टीन एक्स हो जाएगा। अगला हो जाएगा जीरो प्लस जीरो और प्लस जीरो, तीनों जीरो है, ठीक लिख रहे हैं ना। तीसरा हो जाएगा सेवन एक्स, सेवन एक्स माइनस टू इंटू जीरो तो जीरो और वन इंटू माइनस टू एक्स तो माइनस टू एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, वन जीरो 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 वन जीरो और जीरो जीरो वन, इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है यहां? अब जोड़िए तो पहला में कितना हो रहा है सेवन माइनस टू, कितना हो जाएगा सेवन माइनस टू, गधा हो जी, सेवन में से टू एक्स घटेगा तो नाइन एक्स कैसे हो जाएगा, फाइव एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइव एक्स। अगला देखिए कितना हो जाएगा जीरो और यहाँ पे एक्स एक्स कट जाएगा तो ये भी आपका जीरो। अगला हो गया जीरो जीरो, उससे अगला देखिए माइनस अट्ठाईस एक्स प्लस अट्ठाईस एक्स कैंसिल हो गया, यहां से वन और कितना बचेगा ये टेन एक्स माइनस टू, ये हो गया जीरो
वन और ये हो गया 10x माइनस टू। तीसरा वाला देखिए तो 14 प्लस में कट गया जीरो और 7 माइनस टू एक्स तो 5x बच गया, 0 0 5x। अब ये बच गया किसके इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का रूल लगेगा ना। अब तो क्या लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं 5x बराबर 1, तो x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, x का वैल्यू हो जाएगा 1/5। क्लियर है? देखिए यहाँ पे डी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट। आप इसको भी इक्वल कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आ जाएगा, आप इसको भी इक्वल कर सकते हैं यहां से भी, नहीं कर सकते हैं? तो 10x माइनस 2 बराबर 0, तो 10x बराबर प्लस 2, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2/10, कैंसिल जब करेंगे तो 1/5 आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर? कंफ्यूजन कोई तो बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं यहां तक, नहीं ना? चलिए अब इसमें अगला जो है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे आप एडिशन का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे ना, ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन का भी प्रॉपर्टीज है। तो यहां पे अब आपको ध्यान देना होगा कि जैसे हम आपसे कह रहे थे, अगर हम ए में बी को जोड़ें या बी में ए को जोड़ें तो रिजल्ट तो बराबर होता है एडिशन के केस में, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के केस में पता है आपको a इंटू बी करेंगे और b इंटू ए ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इक्वल, ये इक्वल क्यों नहीं होगा? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में रूल है, एक का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, समझ रहे हैं बात? तो जब आप इस केस में मान लीजिए रूल सेटिस्फाइड है, लेकिन जब भी इस केस में b को आगे और a को पीछे करेंगे वो दोनों इक्वल ही नहीं होगा, अनइक्वल हो जाएगा, समझ गए ना? तो कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन के केस में फॉलो नहीं करेगा, वही चीज लिखा हुआ है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, है ना? स्पेशल केस में वो इक्वल हो सकता है लेकिन हमेशा इक्वल नहीं होगा, ये पहला रूल है। दूसरा, आप एसोसिएटिव लॉ पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे, अगर मेरे पास ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, ए में बी को पहले मल्टीप्लाई किए फिर रिजल्ट को सी में किए, या पहले बी सी करके फिर ए में किए, दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। अगला है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम स्टार लगा देते हैं। अब ये कहता है ना, ए में अगर बी प्लस सी है इंटू ए है, तो ए में बी से पहले करेंगे प्लस ए में सी से करेंगे, आप लोग इन जनरल जानते भी हैं इस प्रॉपर्टी को, इधर लेफ्ट से कर रहे हैं तो इधर बोलेंगे इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इधर राइट से कर रहे हैं तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये ए सी और प्लस ये बी सी हो जाएगा। अगला है, इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन आइडेंटिटी लॉ को ये फॉलो करेगा, अभी हम आपसे बात कर रहे थे आई इंटू ए या हम करें ए इंटू आई, सबका वैल्यू बराबर होगा ना, जैसे हम कहते हैं 2 इंटू 1, ठीक है, या हम कहते हैं 1 इंटू 2, दोनों तो 2 ही के बराबर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक्स में 1 नहीं लिखा जाता है, 1 का ये काम कौन करता है, आई करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपका अगला रूल है। नेक्स्ट नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपसे कहता है क्या ना कि मान लीजिए दो मैट्रिक्स, हम ये एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा मत समझिएगा ये दोनों जीरो के बराबर ही आ जाएगा, मान लीजिए ये दो ऐसा मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका मल्टीप्लीकेशन अगर ये आ रहा है, मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कोई एक जीरो होगा ही होगा, समझ रहे हैं बात? जैसे अगर मान लीजिए जीरो इंटू, हम मान लीजिए कि हम यहाँ पे जीरो इंटू ए करें या ए इंटू जीरो करें, तो आप कहते हैं ना जीरो होगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जरूरी नहीं है कि पहला जीरो होना ही पड़ेगा आपको, ऐसा कोई जरूरी नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, अब कुछ में माइनस के कारण वो पूरा जीरो 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 हो गया, जैसे अभी के केस में हो रहा था ना, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ये वाला, ये देखिए ये यूनिट बन गया। अब हो सकता है ना यहां जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, नहीं है, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है, नहीं है, लेकिन जब दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो देखते हैं कुछ पोजीशन पे जीरो आ गया, मान लीजिए उसको भी मल्टीप्लाई करते, अगर यहाँ पे जीरो जीरो
ये सब जगह जीरो आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि ए और बी दोनों में से आइदर किसी में एक में जीरो है या दोनों ही जीरो है। यही प्रॉपर्टी ये बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि अगर दो मैट्रिक्स है दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए बी बराबर जीरो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कोई एक जीरो होगा ही होगा या दोनों जीरो होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। नन जीरो भी हो सकता है ना, जब आप उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगला है ए इज अ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड जीरो इज अ नल मैट्रिक्स, देन ए इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, या हम जीरो इंटू ए करें ये भी जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना। अगला प्रॉपर्टी है, इन द केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ए बी बराबर जीरो, देन इट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई दैट बी ए बराबर जीरो। अगर ए बी का मल्टीप्लीकेशन जीरो के बराबर है तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि बी ए भी जीरो के बराबर होगा। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता ही नहीं है। अभी आप ऊपर पढ़े ना, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है ये। तो अगर ए बी जीरो है तो आप नहीं कह सकते हैं कि बी ए भी जीरो होगा। अगर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता तब आप कह सकते थे कि जीरो के बराबर होगा, बट इस केस में ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? अगला देखिए, अब इंटीजर पावर है ए का, अगर ए की पावर वन है किसी भी नंबर पर पावर वन तो आप जानते हैं उसके बराबर, जैसे टू की पावर वन तो टू तो ही ना होगा। अगर ए की पावर एन प्लस वन है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि बेस सेम होता तो पावर जुड़ जाता, पढ़े हैं हाँ, तो ए टू दी पावर एन प्लस वन है तो ये बराबर होगा ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर एन इंटू ए टू दी पावर दिस के। जैसे ए टू दी पावर फाइव है तो क्या हम इस फाइव को थ्री प्लस टू लिख सकते हैं? इसका मतलब होगा ए क्यू इंटू ए स्क्वायर, आप लिख सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार से हम उसको अलग अलग पावर में तोड़ सकते हैं, ये सेकेंड रूल आपका है। क्लियर? जैसे ए स्क्वायर है ए लिख लीजिए, ए क्यू है तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख लीजिए, है ना। आप अपने जरूरत के अनुसार इसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में देगा वैसा आप काम कर सकते हैं। अगला है यही बेस सेम वाला बोले कि अगर ये बेस सेम हो जाएगा तो ये पावर दोनों जुड़ जाएगा, है ना। इस रूल को आप पढ़े हुए होंगे, अगर ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन है तो ये एम और एन का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ये भी आप रूल जानते होंगे। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप बचपन में इसको पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, 11 12 क्लास में पता नहीं हमको। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़े हैं, एक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट कब होगा? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किए और फिर से ए ही के इक्वल आ गया, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर किए फिर से ए के इक्वल आ गया, तो ए मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। क्लियर? दूसरा है आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स, नहीं पढ़े नहीं सर? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किए और ए के इक्वल आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है कौन? ए। अगर किसी मैट्रिक्स पर ध्यान दीजिएगा, यहां निलपोटेंट के लिए हम बता रहे हैं, ये भी आप पढ़े नहीं होंगे। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ऐसे, ठीक, अगर आप ए स्क्वायर किए ये नन जीरो आ रहा है, नन जीरो का मतलब समझ रहे हैं, जीरो इंटू जीरो मैट्रिक्स नहीं आ रहा है। फिर से आप ए क्यू आप किए, जब भी आप ए क्यू किए ना तो ये सब एलिमेंट इसका जीरो आ गया, ठीक। तो हम कहेंगे ए जो मैट्रिक्स होगा ना ये निलपोटेंट होगा, ए मैट्रिक्स निलपोटेंट होगा, कितना ऑर्डर का? तो ऑर्डर थ्री का, बात समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये थ्री पर भी नन जीरो आता, अगर आप ए क्यू करते वहां पे भी नन जीरो आता तो फिर आपको फोर करके देखना होता, अगर वहां पे जीरो आ रहा है तो ए निलपोटेंट होगा, कितने ऑर्डर के लिए? चार के लिए, समझ रहे हैं। पढ़िए इस दोनों मैट्रिक्स को, देखिए सेम चीज लिखा हुआ है, सेम चीज है दोनों में लिखा हुआ है, अलग अलग है, जो हम बताएं वही चीज है ना, हाँ तो आप बोले अलग अलग है, हाँ क्या सेंटेंस अलग है? जो हम लिखे हैं और ये जो डिफिनेशन कह रहा है क्या अलग अलग है? तो फिर अलग अलग कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? नहीं समझ में, पूछोगे ना कैसे तुम अलग अलग कर रहे हो? क्या दिक्कत है बोलो ना,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन बहुत सारा है लेकिन हम करेंगे नहीं, हम इस क्वेश्चन को करके बस लास्ट कर देते हैं। ये स्लाइड बहुत लंबा है, अभी एक क्लास और चलेगा तब ये जाके खत्म होगा आपका। 01b है, 00-1 है, a बराबर इतना है, a स्क्वायर निकालना है, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a ये ना होगा, मतलब a से a में मल्टीप्लाई करना होगा, 10a 01b 00-1, इसमें आप सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम बोल रहे हैं तो आप लोग मत बोलिए, क्या हो गया, काहे बोल रहे हो फिर। चलिए मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को और आंसर बताइए हमको कि कौन सा इसमें से आंसर होगा। नल मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, माइनस ए होगा, प्लस ए होगा, जल्दी से बताइए तो कौन सा इसका आंसर होगा। आइडेंटिटी है, आ गया सबका, आ गया ना, यही आ रहा है सबका, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए यही आएगा, इसी को हम यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन बहुत सारा है तो अगले क्लास में हम फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले जितना भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम बताए हैं सब आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आगे बहुत सारा टफ आ जाएगा, ये आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हैं बात। तो जितना भी चीज हम पढ़ाए हैं उसको अगले क्लास में सारे चीज को पढ़ के आइएगा, ताकि फिर हम इसी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, मतलब नया कोई थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, थैंक यू।